दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज मध्य प्रदेश में भी योगाभ्यास किया जा रहा है। बारिश के कारण भोपाल में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लाल परेड मैदान की जगह मुख्यमंत्री निवास पर है। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम और श्वयन संवर्धन अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव, जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए शारीरिक दक्षता की आवश्यकता है। इस दक्षता के साथ आहार का भी उतना महत्व है। श्री अन्न अर्थात मोटे अन्न के माध्यम से हमें यही दक्षता मिलती है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को योग दिवस की बधाई दी थी। वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो योगासन करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून को सूर्य भगवान अपनी कथा बदलते हैं। भारतीय वो उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से ये दिवस प्रकृति को समझाने का अलग मौका देता है। लगभग 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल सीमापूर्ण बड़ी छाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई देता हूं जिनके कार्य इसमें जुड़ा है। श्री अन्न संवर्धन अभियान